नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं कि बैक पेन, नेक पेन से रिलेटेड अगर हमारी कोई समस्या है, सी में, एल में, टी में कहीं कोई समस्या है तो उससे हम कैसे बचें। उसके लिए वो आसन, सब आसन, वैसे सारे आसन आपको करना चाहिए जिससे हमारा रीढ़ की हड्डी पीछे जाए। इससे आप स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, थोरैसिस, लंबर, कहीं भी प्रॉब्लम रहेगा तो इससे आप बचेंगे। इसके लिए आपको करना है सबसे पहले उष्ट्रासन, इस तरीके से बैठकर और एक हाथ को पीछे ले जाकर आप दाहिने हाथ से दाहिने पाँव की पंजे के पास पकड़ेंगे, बाएं हाथ को पीछे ले जाकर बाएं हाथ के पंजे को पकड़ेंगे और ऐसा और सांस इसमें अंदर भरा हुआ रहना चाहिए। उष्ट्रासन करें। रीढ़ की हड्डी में कोई भी समस्या है इसके लिए भुजंगासन अवश्य करें। इस तरीके से भुजंगासन के अलावा आप नौकासन कर सकते हैं। ऐसा और धनुरासन, नौकासन के साथ साथ दोस्तों अगर आपको रीढ़ की समस्या है तो आप धनुरासन अवश्य कर सकते हैं। इस तरीके से धनुरासन के अलावा सेतु बंधासन आप करें, इससे भी पीठ की सारी समस्याओं में आपको निदान मिलेगा। सेतु बंधासन प्लस अगर आप सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो आप घर में इस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसे किसी किताब को, बुक को अगर आपको पढ़ना, इस तरीके से पढ़ाई करें तो इससे आपका बैक जो है वो पीछे पोर्शन में, पोस्चर में रहेगा और आप बैक पेन से आप इसमें बचेंगे। तो जिसमें रीढ़ की हड्डी पीछे जाए वो सारे आसन करें। मेटाबॉलिज्म आपका बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। सूरज की रोशनी में जाना बहुत ज़रूरी है। आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखें उसमें पीछे सामने झुकने वाला जो पोजीशन रहेगा उसको अवॉइड करें। बाकी सारे आसन आप उसमें कर सकते हैं सूर्य नमस्कार, प्लस सूरज की रोशनी में जाना कंपलसरी है जिससे आपके हड्डियों को ताकत मिलती है, नरिशमेंट मिलता है। तो अगर ये आसन आप करेंगे तो बैक पेन रिलेटेड जितनी भी समस्याएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।